वेलकम टू डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग जानेंगे पिंस के बारे में। पिंस जो ये जो चैप्टर है वो जो है डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर से लिया गया है, जो कि बीएमसी से है। बीएमसी का फुल फॉर्म जो है बेसिक मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग है, जो कि फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, उसका एक ये चैप्टर है। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में जो है पहले हम लोग जानेंगे कि पिंस क्या होता है। देखिए मैंने सब यहाँ पर लिख रखा है, आइए देखते हैं इसी को पढ़ते हुए और समझते हुए आगे बढ़ा जाएगा। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है, पिंस एक अस्थायी बंद एंड टेम्प्रोरी फास्टनिंग बनाने की एक युक्ति है। मतलब इसके द्वारा जो है टेम्प्रोरी जो है फास्टनिंग किया जाता है, किसी चीज़ को अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। आगे बताया जा रहा है क्या, जो बेलनाकार अथवा टेपर के आकार की हो सकती है। जो पिंस है वो बेलनाकार या फिर टेपर हो सकती है। ओके आगे देखिए क्या कहता है ये, जो जोड़े जाने वाले अंगों में छिद्र करके फिर उसमें डाली जाती है, जिससे कि अस्थायी बंध प्राप्त होता है। मतलब कि पिंस क्या है, पिंस जो है अस्थायी बंध बनाने की एक युक्ति है, एक डिवाइस है टेम्प्रोरी फास्टनिंग की, जिसकी आकृति बेलनाकार होती है और टेपर हो सकती है। जो जोड़ बनाने के लिए क्या करते हैं, दोनों पार्टों में छेद करके उसमें पिन को डाल दिया जाता है। ओके आगे जानते हैं क्या है, पिन को प्रायः मृद इस्पात मतलब कि माइल्ड स्टील से बनाते हैं। प्रयोग किए जाने वाले स्थान के अनुसार इसे कठोरीकृत मतलब कि हार्ड तथा ग्राइंड किया जाता है। मतलब कि वहाँ की जैसी आवश्यकता होगी वैसा उसको हार्ड या फिर उसको ग्राइंड किया जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है टाइप्स ऑफ पिंस के बारे में, पिंस कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए यहाँ पिंस जो है मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है क्विक रिलीज पिन फास्टनर, दूसरा जो है सेमी परमानेंट पिन फास्टनर। क्विक रिलीज पिन फास्टनर का क्या मतलब है, ये कैसे पिन हैं। क्विक रिलीज पिन फास्टनर जो है ऐसे पिन हैं जिनको आसानी से लगाया और निकाला जा सकता है, और ऐसे पिन जिनमें बार बार लगाने और निकालने की आवश्यकता होती है वैसे पिनों को क्विक रिलीज पिन फास्टनर कहते हैं। और सेमी परमानेंट पिन फास्टनर क्या है, मतलब ऐसा पिन जिसे आसानी से नहीं लगाया जा सकता और आसानी से नहीं निकाला जा सकता है, ऐसे जो पिने हैं जो कहलाएंगी सेमी परमानेंट पिन फास्टनर कहलाएंगे, मतलब कि अस्थायी पिन इस तरह कहलाएंगे। यही चीज़ इसमें लिखा भी हुआ है। देखिए पर जानते हैं क्विक रिलीज पिन फास्टनर के बारे में, जिसमें यह इस प्रकार के पिनों को सरलता से निकाला और फिट किया जाता है। इस प्रकार के पिनों का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर अक्सर पिनों को निकालना और लगाने होता है। और इसमें सेमी परमानेंट पिन फास्टनर में क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार के पिनों को सुगमता से अलग नहीं कर सकते और ना ही सुगमता से जोड़ा जा सकता है। मतलब कि एक बात समझ में आ गई क्या, कि पिन दो प्रकार के हैं, एक क्विक रिलीफ पिन फास्टनर मतलब तुरंत मोचन पिन स्ट्रक, और दूसरा जो है अर्धस्थायी पिन स्ट्रक। तो जो क्विक रिलीफ पिन फास्टनर है तुरंत से मतलब समझ में आ रहा है कि आसानी से लगाया जा सके और आसानी से अलग किया जा सके ऐसा पिन। और सेमी परमानेंट पिन फास्टनर मतलब कि अर्धस्थायी मतलब ऐसा पिन जिसे आसानी से नहीं लगाया जा सकता और ना ही आसानी से निकाल जा सके, तो ऐसे पिन को बोलते हैं अर्धस्थायी पिन इस तरह। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए अब हम लोग जानते हैं कि कौन सा पिन है जो क्विक रिलीज पिन फास्टनर के लिए यूज किया जाता है। देखिए क्विक रिलीज पिन फास्टनर के जो यूज किया जाता है फिगर में आप देख रहे हैं इस टाइप का पिन है, इसको बोलते हैं टी हैंडल पिन। तो बोलते हैं टी हैंडल पिन, ये जो पिन है वो टी हैंडल पिन है, इसमें एक पकड़ने के लिए हैंडल बना होता है। यहाँ पर जो है लिखा हुआ तुरंत मोशन पिन स्ट्रक के रूप में टी हैंडल पिन का प्रयोग किया जाता है। यह छिद्र में ढीली अवस्था में होती है, यह छिद्र में जो लगाया जाता है ढीली अवस्था में होती है, इसे आसानी से लगाया और निकाला जा सकता है। मतलब कि क्विक रिलीफ पिन फास्टनर की बात करें तो हम लोग को जो है टी हैंडल पिन याद रखना होगा इसका फिगर भी। आइए आगे देखते हैं सेमी परमानेंट पिन फास्टनर क्या है। सेमी पिन परमानेंट पिन फास्टनर पहले बता चुके हैं, इस प्रकार के पिनों को बनाने में जो
खोलने लगाने में बल लेकिन बल यानी दबाव यानी प्रहार लगाने की आवश्यकता होती है। इसे आसानी से नहीं लगाया जा सकता है, इसमें जो है लगाने के बल दाब प्रहार लगाने की आवश्यकता होती है। ये पिने छिद्र में कसी रहती हैं, छिद्र में जो है बहुत टाइट होती हैं। और जो है आगे जो है अर्धस्थायी पिने स्ट्रक जो है दो प्रकार का है, आगे जो डिवाइड हो गया है दो प्रकार में, वो क्या है मशीन पिने यानी मशीन पिन एंड रेडी लॉकिंग पिन, मतलब कि त्रिज बंधन पिने दो प्रकार के हैं। कौन कौन सी? जो है मशीन पिने और जो है त्रिज बंधन पिने यानी रेडियल लॉकिंग पिन्स। आइए जानते हैं, अब हम लोग जान लेते हैं पूरे क्लासिफिकेशन के बारे में, कौन कौन से क्लासिफिकेशन है इसमें। पिन्स को अभी हम लोग पढ़े हैं, पिन्स को जो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक फर्स्ट क्विक रिलीज पिन फास्टनर और सेकंड सेमी परमानेंट पिन फास्टनर। आगे फिर जो है सेमी परमानेंट पिन फास्टनर को दो भाग में डिवाइड किया गया है, मशीन पिन्स एंड रेडियो लॉकिंग पिन्स। आगे हम लोग जानेंगे जो मशीन पिन होते हैं वो कुल जो है पांच प्रकार के पिन हैं, किसी किसी बुक में चार ही प्रकार का दिया हुआ है, यहाँ लोग जानते हैं पांच प्रकार के हैं मशीन पिन्स। कौन कौन से हैं? डावल पिन, टेपर पिन, क्लेविस पिन, क्वार्टर और स्प्लिट पिन एंड सेफ्टी पिन। ये पांच पिन हैं मशीन पिन्स के अंदर आते हैं। उसके अलावा जो है रेडियो लॉकिंग पिन्स में को जो है रेडियो लॉकिंग पिन को दो भाग बांटा गया है, वो कौन कौन से हैं? इसके अंतर्गत दो पिन हैं, खांचेदार पिन मतलब ग्रूव पिन, स्प्रिंग पिन, दो हैं। किस में? रेडियो लॉकिंग पिन्स में। ये पूरा ये है, सबसे पहले जो है पिन दो भाग में डिवाइड हुआ है, क्विक रिलीज पिन फास्टनर और सेमी परमानेंट पिन फास्टनर। और सेमी परमानेंट पिन फास्टनर दो भाग में डिवाइड हुआ है, मशीन पिन और जो रेडियो लॉकिंग पिन्स। ओके, जो रेडियो लॉकिंग पिन्स है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, खांचेदार पिन और स्प्रिंग पिन। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मशीन पिन्स के बारे में। मशीन पिन्स के बारे में लोग जान चुके हैं कि इसे जो है फाइव पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ताकि उनको नाम याद रहे। फर्स्ट जो है डावल पिन, सेकंड टेपर पिन, थर्ड क्लेविस पिन, फोर्थ जो है क्वार्टर और स्प्लिट पिन, फाइव जो है सेफ्टी पिन। आइए आप डिटेल से जानते हैं क्या है डबल पिन, क्या होता है, कहाँ इसका यूज किया जाता है। जो डबल पिन है देखिए, इन पिनों को अवस्थापक पिन लोकेटिंग पिन भी कहा जाता है, मतलब तो किसी चीज़ को लोकेट करना हो तो वहाँ पर इसको डाला जाता है। ये पिन दो भागों की सापेक्ष स्थिति निर्धारित करती हैं। सापेक्ष स्थिति निर्धारित करने का क्या मतलब है कि उसको स्थिर रहती हैं या फिर एक ही मोशन करने के लिए स्पेस देती हैं। आगे ये बेलनाकार आकार की, ये इनकी जो आकृति होती है बेलनाकार होती है, जैसा फिगर में देख सकते हैं, कठोरीकृत या ग्राइंड की हुई होती है, मतलब क्या हो सकता है के अनुसार जो इनको कठोरीकृत और ग्राइंड किया जाता है, हार्ड किया जाता है और इसमें ग्राइंडिंग की जाती है। इसका प्रयोग जो है यथार्थ संरेखण यानी एक्यूरेट अलाइनमेंट तथा परतदार कांटों यानी सेक्शन को बांधने के लिए किया जाता है। इसका जो प्रयोग किया जाता है उसका जो है यथार्थ संरेखण, मतलब कि बहुत सारे ब्लेड्स को जब रखना हो और उसमें छेद बनाना हो तो ताकि एक ही स्थिति में रखें, उसके लिए किया सकता है। मतलब कि कई सारे सेक्शन हैं, कई सारे स्ट्रिप्स हैं, उनको जोड़ने के लिए किया जाता है। जिसके एग्जाम्पल दिखाते हैं क्या है, देखिए यहाँ पर जो है इस वाले फिगर में डबल पिन को यहाँ पर लगाया गया है। ये डबल पिन है जिसको जो दो पार्टों को रोकने के लिए लगाया जाता है, लगाया गया है इसमें। तो ये क्या कर रहा है, एक जो है स्थापक मतलब कि सापेक्ष स्थिति को निर्धारित कर रहा है ताकि वो मूव ना कर सके। अब फिगर में देख सकते हैं कि ये जो है ओरिजिनल दिखाए हैं कि ये जो है डबल पिन ऐसा होता है, और आपके बुक में ऐसा मिलेगा डबल पिन, ये भी आपके बुक का ही फिगर है। आगे देखते हैं, आगे जो पिन है वो है टेपर पिन, जैसा फिगर में दिखाया गया है। इसका जो है एक एंड जो एक सिरा जो होगा बड़ा होगा साइज में और दूसरा छोटा होगा। आइए टेपर पिन के बारे में जानते हैं। टेपर पिन यह पिन भी आकृति में बेलनाकार होता है और यह सामान्य टेपित होता है, यह मानक टेपित होता है। देखिए इसकी आकृति के बारे में बात करें तो ये बेलनाकार होती है और यह मानक टेपित होती है।
इसको लगाते कैसे हैं, इसके छोटे वाले सिर के बराबर जो है, छोटा वाला साइज होगा उसके सिर के बराबर जो है रिमिंग किया रहेगा उसमें जो है इसको डाला जाता है। देखिए इसमें लिखा है, इसके पिन के छोटे सिरे के व्यास के बराबर रिमिंग किए गए छेद में घुसाकर इसको प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग शाफ्टों पर पहिए तथा लीवर आज लगाने के लिए किया जाता है। जो टेपर पिन का प्रयोग किया जाएगा वो जो है शाफ्टों पर पहिए तथा लीवर आज लगाने के लिए किया जाएगा। आगे क्या देखते हैं, आवश्यकता के अनुसार इनके छोटे सिरे पर ढीबरी मतलब कि लॉकिंग डिवाइस का ही प्रयोग करते हैं। ढीबरी का यह मतलब है कि नट, नट को हिंदी में ढीबरी कहा जाता है। आइए देखिए इसका यूज कहाँ कहाँ किया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ इस फिगर में दिखाया गया है कि ये जो है शाफ्ट है, ये बीच वाला पार्ट जो हमारा शाफ्ट है, ये साइड वाला जो है लीवर है। शाफ्ट और लीवर को जोड़ने के लिए जो है यहाँ पर टेपर पिन का यूज किया गया है। इसमें किया क्या गया है, इसके शाफ्ट और लीवर के साइड में, देखिए ये जो शाफ्ट है इसके साइड में जो है टेपर पिन को लगाया गया है। इसको बोलते हैं स्पर्शी, स्पर्श के साइड में जो है इसको लगाया गया है। एक तो ये तरीका हो गया यूज करने का, और दूसरा सेम चीज़ है मतलब कि लीवर लीवर भी है और ये बीच वाला शाफ्ट भी है। इसमें जो है टेपर पिन को बीच में लगाया गया है, बीच में लगाया गया है, इसमें फर्स्ट वाले फिगर में साइड में, इसमें बीच में लगाया गया है। और जो है इस वाले फिगर में, थर्ड वाले फिगर में दो पार्ट को जोड़ने के लिए, फर्स्ट ये सेकंड ये, दो पार्ट को जोड़ने के लिए जो है टेपर पिन का प्रयोग किया गया है। इसमें जो है लॉकिंग डिवाइस यानी एक नट का भी प्रयोग करके दिखाया गया है कि एक लॉकिंग डिवाइस भी लगाया गया है ताकि जो है सेकंड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बाहर ना निकल जाए। तो इस तरीके से जो है टेपर पिन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में आप लोग ये वाला फिगर ज़रूर से बनाएंगे। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग क्लेविस पिन के बारे में। क्लेविस पिन देखने, देखिए इसके भी आकृति में गोल है। ओके, जैसा फिगर में दिखाई दे रहा है वैसा ही लिखना भी है। क्या फिगर में दिखाई दे रहा है, फिगर में ये दिखाई दे रहा है कि इसकी आकृति गोल है, इसके एक सिरे पे हेड बना हुआ है और दूसरे पे जो है आर पार छिद्र है। यही बात हमको कॉपी में लिखनी भी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा गया है इस पिन की भी आकृति बेलनाकार होती है। वही बात लिखा गया है, इसका अनुप्रस्थ काट गोल होता है, इसको जब काटेंगे तो गोल सा शेप दिखाई देगा, जिसे इसको कहा गया इसका अनुप्रस्थ काट गोल होता है। इस पिन में एक और सिर यानी कि हेड बना होता है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं यहाँ बना हुआ है हेड, तथा दूसरे और त्रिज्यता मतलब कि रेडियली आर पार छिद्र होता है, और दूसरे सिरे पर क्या होता है आर पार छिद्र होता है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आर पार क्या है छिद्र है, जैसा फिगर उसको ऐसा ही लिख दिया गया है। आगे जानते हैं इसके बारे में, इसका प्रयोग जो है लटकन कड़ियों यानी कि सस्पेंशन लिंक तथा नकल ज्वाइंट आदि बनाने में किया जाता है। तो सस्पेंशन लिंक क्या होता है, नकल ज्वाइंट क्या होता है, ये भी अभी जान लेते हैं हम लोग। आगे क्या है, ये इसके दूसरे सिरे पर बने आर पार छिद्र के लिए क्वार्टर पिन या स्प्लिट पिन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ जो फिगर में देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्वार्टर पिन। आप लोग देखेंगे पंखे वगैरह में लगाया जाता है इसको ताकि नट ढीला होकर गिर ना जाए। तो ये बता रहे इसमें जो छेद होता है उस छेद में क्या किया जाता है, क्वार्टर पिन या स्प्लिट पिन को लगाया जाता है, जिससे यह पिन अपनी स्थिति में बने रहे मतलब कि ढीले होकर के ऐसे किसी कारण से बाहर ना निकल जाए, इस वजह से क्वार्टर पिन स्प्लिट पिन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, ये फिगर में जो है नकल ज्वाइंट दिखाया गया है जिसमें कि इसमें बीच में जो है इस बीच वाले पार्ट में, यहाँ पर देखिए इस बीच जो है ये जो पिन लगा हुआ है ये क्लेविस पिन है, जो कि क्लेविस पिन है जो कि दो पार्टों को जोड़ रहा है। ये इसको बोलते हैं चिमटा और इसको बोलते हैं आँख, इन दोनों पार्टों को ये जोड़ा है, पिन जोड़ा, क्लेविस पिन जोड़ा है, और क्लेविस पिन बाहर ना निकल जाए ऊपर की तरफ से, इस नाते यहाँ पर जो है क्वार्टर या स्प्लिट पिन लगा हुआ है मतलब कि ये ज्वाइंट बनाने के लिए इसका उपयोग किया गया है। आगे लटकन कड़ी की बात की गई थी, लटकन कड़ी भी देख लेते हैं। ये रहा लटकन कड़ी,
कि सस्पेंशन लिंक देखिए इसमें जो है इसमें भी जोड़ने का ही काम किया गया है। देखिए इसमें जो है तीन कड़ी हैं, एक दो और इधर तीन, तीनों को जोड़ने के लिए जो है क्लेव स्पिन का प्रयोग किया गया है। क्लेव स्पिन यहाँ पे एक कॉलर लगा करके और नीचे क्या लगा दिया गया है, नीचे जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा हुआ है कॉटर या स्प्लिट पिन लगा दी गई है जिससे ये ज्वाइंट बना हुआ है। तो एग्जांपल में क्या बताए थे कि जो क्लेव स्पिन का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है नकल ज्वाइंट या फिर लटकन कड़ी को जोड़ने के लिए किया जाता है। आगे जानते हैं, आगे जो है वो है कॉटर या स्प्लिट, कॉटर या स्प्लिट पिन्स, इसके बारे में आगे अभी तुरंत जाना गया है और डिटेल से जान लेते हैं ये क्या है। ठीक है, ये पिन है इस्पात के अर्धवृत्ताकार कार्ड के तार को मोड़कर इस प्रकार बनाया जाता है कि लंबाई वाला भाग जो है बेलनाकार बने। मतलब कि क्या, इस तार को जो बनाया जाता है वो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वह अर्धवृत्ताकार होता है। इसको जब ऐसे गोल में मोड़ा जाता है तो ये लंबा वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है वो क्या होना चाहिए, वो एकदम गोल बनना चाहिए। मतलब आधा क्रॉस सेक्शन एरिया इधर का आधा इधर का दोनों मिल जाएगा तो लंबा वाला पार्ट कैसा हो जाएगा, एकदम गोल हो जाएगा। यही बात इसमें लिखा हुआ है। क्या लगता है, फिर से पढ़ लेते हैं। ये पिन इस्पात के अर्ध वृत्ताकार कार्ड के तार के को मोड़ कर इस प्रकार बनाया जाता है कि लंबा भाग बेलनाकार बने। आगे देखते हैं, यह पिन अन्य स्थिरकों को रोकने का कार्य करती है। मतलब कि कोई भी यूनिट जो हो वो गिरे ना, उसको स्टॉप करने का कार्य करती है और कहीं कहीं जोड़ बनाने का भी काम करती है। आगे देखते हैं, देखिए इसका प्रयोग दिखाया गया कैसे प्रयोग किया जा रहा है, ताकि ये जो है डिस्क बाहर ना निकल जाए, इस वजह से इसमें क्वार्टर पिन लगाया गया है। देखते हैं, पिन को लगाते समय अंग में पिन को डालकर बाहर निकले पिन बेलनाकार भाग को खोलकर इसके टांगों को अलग अलग दिशा में मोड़ देते हैं। लगाने के लिए क्या करते हैं, पिन को ऊपर से डालेंगे और दोनों ही उसको पैरों को पकड़ करके अलग दिशा में मोड़ देंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और उसके बाद से जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसे नीचे वाले दोनों पैरों को पकड़ सीधा करके ऊपर से प्लास से खींच लेंगे तो वो निकल जाएंगे। ये सब बातें जो है आपको कॉपी में लिखनी हुई है, एग्जाम के टाइम में अगर आ गया तो ये फिगर बना करके आपको सेम चीज़ें ही लिखनी होंगी। आगे चलते हैं, आगे देखिए सेफ्टी पिन, सुरक्षा पिन क्या होती है। जो कोई भी पिन जो है सेफ्टी के पर्पज़ से यूज की जाएगी उसे सेफ्टी पिन कहेंगे। सेफ्टी पिन का क्या मतलब, मैं कोई भी एलिमेंट हो जो कि ख़राब होने से बच जाए पिन की वजह से, तो ऐसी पिन क्या होगी, सेफ्टी पिन होगी। जैसे कि फिगर में देख लेते हैं, यहाँ दिखाया गया है फिगर में कि जो देखिए यहाँ पर एक पिन लगा हुआ है, ये यहाँ पर एक पिन लगा हुआ है जो कि एक पार्ट ये इधर से है और एक पार्ट ये इधर से, दोनों पार्टों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, पिन कर रहा है। जब शाफ्ट रोटेट करेगा तो ये पार्ट पूरा पार्ट रोटेट करेगा और सेकंड पार्ट जो है स्पिन की वजह से रोटेट करेगा। अगर अचानक से ज़्यादा लोड लगता है तो ये पिन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और सेकंड पार्ट ब्रेक होने से बच जाएगा। मतलब कि क्या कर रहा है, ये पिन जो है सेकंड वाले पार्ट को सेव कर रहा, सुरक्षित रख रहा है, इस वजह से इस पिन को क्या कहा जाएगा, सेफ्टी पिन कहा जाएगा। और देखते हैं क्या लिखा गया इसमें, लिखा गया है इन पिनों के नाम से प्रदर्शित होता है, नाम से मालूम होता है सेफ्टी पिन क्या है, सुरक्षा पिन क्या है। जो सुरक्षा की दृष्टि से यूज की जाए वो सुरक्षा पिन होंगे, कि ये पिनें सुरक्षा की दृष्टि से जोर बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। जहाँ जहाँ क्रिया के अंतर्गत अंग पर अधिक भार लगा हुआ असफल हो जाती हैं और अंग को खराब होने से बचा लेती हैं, वही बात लिखा गया है। मतलब कि अपने खुद ब्रेक हो जाती हैं और जो है मैकेनिकल एलिमेंट को ख़राब होने से बचा लेते हैं, ऐसे पिन को जो है सेफ्टी पिन कहा जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए जो सेमी परमानेंट पिन फास्टनर जो था वो टू टाइप्स में था, जैसे लोग पढ़े थे, एक था मशीन पिन और दूसरा था तो रेडियल लॉकिंग पिन। तो हम लोग मशीन पिन ख़त्म हो चुका है और लोग पढ़ेंगे रेडियल लॉकिंग पिन। तो रेडियल लॉकिंग पिन क्या है जानते हैं, इन पिनों का प्रयोग ऐसी
परिस्थितियों में किया जाता है जब अंग पर अत्यधिक कंपन भार, मतलब कि वाइब्रेशन हो रहा, कम वाइब्रेशन लोड लग रहा है, या संघट्ट भार या इम्पैक्ट लोड लग रहा है। इम्पैक्ट लोड का यह मतलब कि अचानक से लोड लग रहा हो और फिर अचानक से हट जा रहा हो, मतलब अचानक से लगने वाले लोड को इम्पैक्ट लोड कहते हैं। तो रेडियोलॉजी पिन का प्रयोग वहाँ किया जाएगा उस परिस्थिति में जहाँ पर वाइब्रेशन लोड हो, जहाँ वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, या फिर इम्पैक्ट लोड लग रहा हो, अचानक से लोड लग रहा हो फिर हट जा रहा हो, ऐसे जहाँ पर जो है रेडियोलॉजी पिन का प्रयोग करेंगे। और क्या है, ये पिन अपने विशेष आकृति के कारण सिर की परिधि पर दृढ़ता से लगी रहती हैं। ये पिन सस्ती होती हैं तथा इनका प्रयोग सरल होता है। ये बताया जा रहा है कि ये जो पिन होती हैं वो छिद्र के जो छेद का परिधि होता है उसमें जो है बाई फोर्स मतलब तेज़ी से चिपक जाती हैं और अलग नहीं होती हैं। और ये पिन जो मार्केट में जो सस्ती मिलती हैं इनका प्रयोग करना सरल होता है। आगे देखते हैं, जो रेडियो लॉकिंग पिन है उसको दो भागों में बांटा गया है। दो प्रकार की होती हैं वो, जो खांचेदार पिन यानी ग्रुप पिन और स्प्रिंग पिन। तो खांचेदार पिन कैसे होते हैं, जैसा कि फिगर में देख सकते हैं, देखिए खांचेदार पिन में क्या किया गया है, एक पिन है, साधारण पिन है यह, लेकिन इसमें एक खांचा बना दिया गया, मतलब कि ग्रुप काट दिया, गहरा जो है ग्रुप काट दिया गया है, देख सकते हैं। जिससे कि क्या होता है, इसकी जैसे कि एक ही साइड नहीं काटा गया, तीन साइड से काटा गया, जैसे कि फिगर में देखिए तीनों साइड से काट दिया गया है, खांचा काट दिया, इसी वजह से खांचेदार पिन कहा गया है। और दूसरा क्या है, स्प्रिंग पिन। तो स्प्रिंग पिन दो टाइप की है, एक जो है ये देख रहे हैं एक ब्लेड है, पत्ती है, जिसको स्प्रिंग टाइप में मोड़ दिया गया है, इसको बोला गया स्पायरल लिफ्टिंग। और जो है एक पाइप होता है ट्यूब जैसी है, और ट्यूब का इतना हिस्सा ऊपर वाला इतना हिस्सा जो काट के निकाल दिया गया है ताकि वो दब सके, तो इसको बोला गया है झिरी ट्यूब वाली स्प्रिंग। आइए डिटेल से जानते हैं इसके बारे में। ये खांचेदार पिन के बारे में जानते हैं। तो खांचेदार जो पिन है इन पिनों में उसकी परिधि पर समान दूरी पर अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल खांचे बने होते हैं, जैसे कि ऊपर बताया ये जो ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, जिससे उनका व्यास जो है बढ़ जाता है, उनका डायमीटर थोड़ा सा बढ़ जाता है। जब इन पिनों को छिद्र में डाल कर हथौड़े द्वारा प्रहार किया जाता है तो ये पिने प्रत्यास विरूपण होता है। इन पिनों में क्या होता है, प्रत्यास विरूपण होता है, मतलब वो दबता है। तो और ये छिद्र की परिधि पर डेटा से फिट हो जाते हैं। लेकिन इन पिनों को क्या किया जाता है, छिद्र में डाल करके हथौड़े से पीटा जाता है, जिससे कि छेद में क्या है एकदम टाइट फिट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं स्प्रिंग पिन क्या चीज़ है। स्प्रिंग पिन भी सेम है, उसको हथौड़े से पीटा जाता था, इसको स्प्रिंग दबा करके डाल दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, उसमें होल में जाकर फैल जाएगा, उसके पर्दे पर डेटा से लग जाएगी। देखते हैं, स्प्रिंग पिन तेज रूप से रेडियली संपीड़ित होकर के या स्प्रिंग क्रिया द्वारा छिद्र की परिधि पर डेटा से फिट हो जाती है, मतलब क्या जिसको जोड़ बनाना है उस छिद्र में क्या करेंगे, उसको दबा करके उसमें डाल देंगे और उसमें फैल जाएगा और ज्वाइंट बन जाएगा। देखिए रियल में जो है इस प्रकार का होता है ट्यूब वाली, और जो है स्पाइरल जो है इस टाइप के होते हैं। ये जो है पिंस जो है हमारे चैप्टर जो है समाप्त होता है। Oh, 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 oh,